हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपको टेबल मैट बताऊंगी। ये एक बहुत ही सुंदर टेबल मैट है फ्रेंड्स। इसको आप जो घर की डेकोरेशन के लिए आप इसे कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने दो कलर के ये कपड़े लिए हैं। आप ऐसे ही दो कलर लेंगे दो, और उसके बाद ये जो है हमारा कपड़ा आधा मीटर है और ये भी हमारा आधा मीटर है। अच्छा, ये आप नए कपड़े में से ही बना सकते हैं, बचे हुए कपड़े में से भी बना सकते हैं ये। और ये देखिए, ये मेरे पास जो है बचा हुआ कपड़ा था, ये मैंने उसमें से बनाया है। ये आधा मीटर ये है और आधा मीटर ये है, दोनों को एक साथ जैसा ही हमने लेना है। अच्छा, अब देखिए, इन दोनों को हमारे स्क्वायर पीस काटने हैं, जो एक स्क्वायर पीस मैं ये काट चुकी हूँ। ये देखिए, स्क्वायर पीस जो है ये हमारा 6.5 यहाँ से रहेगा और 6.5 ही हमारा यहाँ से रहेगा। लंबाई चौड़ाई इसकी यही रहेगी। और ये जो है हमारा ये वाला कपड़ा, ये भी हमने जो है स्क्वायर पीस में ही लेना है, तो ये भी इसी साइज का ही होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको रखेंगे और एक स्क्वायर पीस जो है हम इसका काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पीस जो है हमने स्क्वायर ये दोनों काट लिए हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये दोनों साइड अंदर की वाली साइड जो है ये हमारी राइट साइड होगी और ये हमारा रॉन्ग साइड होगा, दोनों साइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम जो है 2 इंच 1 इंच के करीब जो है हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे और बाकी पर जो है पूरी सिलाई हम लगाएंगे और लगाकर इसको पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो है हमने सिलाई लगा दी है। बाकी ये वाला जो पोर्शन हमने जो ये देखिए यहाँ से ये, या तो आप इस पर जो है छोटा छोटा कच्चा करके या तो इसको इस तरीके से इसको बंद कर लीजिए, या फिर जो है आप फेविकोल या किसी इससे चीज से इसको यहाँ से इसका ओपन पार्ट जो है इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। ये यहाँ से इसको आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इस पे कच्चा कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ये सेटिंग हो जाए इसकी थोड़ी। ये देखिए, ये होने के बाद जो है एक हम पैटर्न काटेंगे। ये देखिए, पैटर्न जो है हमारा इस तरीके से जो है ऐसे कपड़ा जो है ऐसे फोल्ड होना चाहिए। तो ये मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे रखेंगे जैसे ये हम इसको, आपने जो साइज हमने ऊपर की साइड रखना है उसको हम यहाँ रखेंगे और जो हमने इस तरीके से फोल्ड करना है वो जो है हम उसको नीचे रखेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ये मैं रखूंगी ऊपर की साइड में ऐसे, और ये पोर्शन हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ये ऐसे। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करने के बाद जैसे हमारा पेपर है ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे प्रेस करकर यहाँ पर निशान बना लेंगे। ये देखिए, ये जो है ये निशान बन गया यहाँ पर। ये देखिए, दोनों तरफ जो है ये निशान बन गया। ऐसे ही हमने जो है सारे पैटर्न तैयार करने, ये तैयार करने, ये जो हमारे बनेंगे ये हमारे 12 पीस बनेंगे। तो 12 सेट ऐसे ही बनाने हैं हमने और इसको इस तरीके से फोल्ड कर कर ये जो है हमारा पोर्शन ये वाला, इसको ये हमने लेना है 3 इंच, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से 1.25 इंच है ये यहाँ से 1.25 इंच, 1.25 इंच यहाँ से लेना और यहाँ लेकर और इसको इस तरीके से लगाकर और एक प्रेस करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो है दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है, इसको भी हमने ऐसे ही करना है। जो ये निशान हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए, इस निशान को इस निशान से, ये देखिए, ये निशान और ये निशान जो दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर और यहां तक हमने एक सिलाई लगानी है, ये इस तरीके से। तो ये सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो निशान है इस पर जो है हम सीधी मशीन जो है वो चला देंगे, यहाँ पर हम डबल कर देंगे इसको और इसको निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो है हम अपने सारे पीस ऐसे जोड़ लेंगे। तो ये जो हमारे पीस होंगे ये टोटल हमारे 12 पीस होंगे। तो ये देखिए, कुछ मैं जो है इस तरीके से ये जोड़ चुकी हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है ये। और इसको जो है अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ लगा देंगे और इसको हम ये यहाँ पर लगा देंगे। ये होने के बाद ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए फ्रेंड्स, कितना जो सुंदर जो है ये लग रहा है। अगर आप इसके बीच में जो है बीड्स लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप बीड्स लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, वरना ये ऐसे ही बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स,
इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है आज बनेगा। कितना सुंदर ये लग रहा है। अगर आप इसमें बीड्स लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर लगाना चाहते हैं तो ये देखिए जैसे मैं लगाया, आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, इस तरीके से भी आप ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए इसको जितना भी चाहें आप इसको बनाकर, इस तरीके से लगाकर आप ये सुंदर, इसको और भी सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए। और फ्रेंड्स ऐसा ही एक टेबल मैट मैंने एक और डाला हुआ अपनी वीडियो में, तो वो आप देखना चाहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।